नमस्कार दोस्तों, बीएसक्यूएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इसके पूर्व में हम लोग विभिन्न नीतियों का अध्ययन कर रहे थे। और पूर्व में हम लोगों ने एक क्लास में ये चीज बताया था कि नीतियां मुख्यतया दो प्रकार की, क्रियात्मक नीतियां और नियंत्रक प्रकार की नीतियां होती हैं। तो अभी तक हम लोग जिन नीतियों का अध्ययन कर रहे थे उसे क्रियात्मक नीति कहा जाता है। क्रियात्मक नीति के अंतर्गत हम लोगों ने नियोजन नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, जनसंख्या नीति, इसको शामिल करते हैं और इसका हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया। अब हम दूसरी प्रकार की नीति, नियंत्रक प्रकार की नीतियां हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब उसको नियंत्रक नीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में जो है विभिन्न प्रकार के आर्थिक पक्षों का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति है या अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, इन सभी गतिविधियों से निपटने के लिए एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। और इन दोनों ही जो है नीतियों को नियंत्रक नीति के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें दो नीतियां मुख्य रूप से जो है सम्मिलित होती हैं, एक राजकोषीय नीति और दूसरा जो है वो मौद्रिक नीति कहलाती है। पहली जो है वो राजकोषीय नीति और दूसरी जो है वो मौद्रिक नीति कहलाती है। तो राजकोषीय नीति यह सरकार के द्वारा बनाई जाती है और मौद्रिक नीति जो है वो RBI के द्वारा बनाई जाती है। तो अभी इन दोनों नीतियों में से हम पहली बार राजकोषीय नीति का अध्ययन कर रहे हैं। राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी राजकोष से संबंधित है, यानी कि राजकोष यानी कि राज्य के लिए कोष की बात यहां पर की जा रही है। अब यह समझना आवश्यक है कि सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनको संचालित करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए जो है राजस्व की या धन की या बजट की आवश्यकता होती है। तो इसी के अंतर्गत जो है उससे संबंधित जो भी नीतियां जो है बनाई जाती हैं और जिन नीतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है सम्मिलित होती है। तो इस तरीके से जो है सरकार के गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिस धन की, बजट की, लोक वित्त की आवश्यकता होती है, इन सभी गतिविधियों का जो अध्ययन हम लोग जो है राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी के जो अंतर्गत जो है करते हैं। इसे राजकोषीय नीति या बजेटरी पॉलिसी भी जो है कहा जाता है क्योंकि राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम उसको व्यवहारिक रूप से बजट के अंतर्गत जो पढ़ते हैं, इसीलिए राजकोषीय नीति को बजट नीति या बजेटरी पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है सरकार के राजस्व प्राप्ति, उसके द्वारा लिए गए ऋण, अर्थोपाय, अग्रिम से प्राप्त धनराशियां, इन सभी से या इन सभी आर्थिक पक्षों से संबंधित जो भी सरकार की नीति होती है और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो यह समस्त जो है आर्थिक नीतियों का अध्ययन राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो है सरकार का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वह अपने कोष के लिए जो है आय के साधनों के लिए जो है नीतियां बनाए, आय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करें। यद्यपि जब हम बजट का अध्ययन करते हैं तो उसमें आय प्राप्ति के साथ साथ सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है योजनाएं, अब पूंजीगत जो है व्यय भी होता है, राजस्व व्यय, तो इन सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए हम बजट के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। तो राजकोषीय जो नीति होती है वो बृहद नीति है जिसके अंतर्गत जो है सरकार के जो है सभी प्रकार के प्राप्ति व्यय से संबंधित नीतियों का जो है अध्ययन किया जाता है। अभी हम बजट पर चर्चा करने के पूर्व थोड़ा सा जो है राजकोषीय नीति के प्रकार को भी समझ लेते हैं। इससे हमें बृहद रूप में दुनिया के अलग अलग देशों की स्थिति के अनुसार जो है वहां की राजकोषीय नीति और राजकोषीय नीति के प्रकार को भी समझने में जो है मदद मिलती है। तो कई प्रकार के जो है राजकोषीय नीति होती है। एक तो पहला विशुद्ध राजकोषीय नीति होता है। विशुद्ध राजकोषीय नीति, विशुद्ध राजकोषीय नीति एक ऐसी राजकोषीय नीति है जिसमें सरकार के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज की दरों पर किसी भी प्रकार से जो है कोई नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाता है या उसको प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जाता है, वो विशुद्ध राजकोषीय नीति के रूप में जानी जाती है। यद्यपि इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक स्तर पर बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है पूंजीवादी व्यवस्था या आर्थिक उदारीकरण
बढ़ता है उस तरीके से जो है कोई भी अर्थव्यवस्था इस दिशा में जो है गतिमान होती है। तो विशुद्ध अर्थ राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है सरकार मुद्रा की आपूर्ति में और इसी तरीके से ब्याज दरों पर कोई प्रभावित या कोई नियंत्रण स्थापित नहीं करता है। दूसरा है तटस्थ राजकोषीय नीति। जैसे स्वतंत्र बाजार वाली जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें संसाधनों के आवंटन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वहां पर सरकार संसाधनों के आवंटन को हस्तक्षेप नहीं करती है और यहाँ पर संसाधनों का आवंटन जो है वो बाजार की मांग और पूर्ति के जो है शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि संसाधनों का आवंटन मांग और पूर्ति की जो शक्तियों के माध्यम से निर्धारित होती है, तो चूंकि सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है इसीलिए जो है ये तटस्थ राजकोषीय नीति हो जाती है। अगला है छतपूरक राजकोषीय नीति। छतपूरक राजकोषीय नीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस छतपूरक राजकोषीय नीति को जो है कीन्स के विचारधारा पर जो है आधारित माना जाता है। जनरल थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी उनकी किताब का नाम है, उसमें इस तरीके की विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है और इस राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है इस बात का प्रयास किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में जब उतार चढ़ाव होते हैं तो उस उतार चढ़ाव को इस राजकोषीय नीति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मंदी क्या होता है, मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं की मांग कम हो जाती है। जब मांग कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में उद्योग धंधे और जो भी उत्पादक इकाइयां होती हैं वह बंद होने के कगार पर होती हैं। जब वो उत्पादन कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी तो वहां पे बेरोजगारी छटनी होगी और बेरोजगारी की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो लोगों को आय नहीं प्राप्त होगा और जब आय नहीं प्राप्त होगा तो वो पुनः जो है खरीदने की स्थिति में या किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा को जो है लेने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो मंदी जो है वो मंदी का जाल बन जाता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो वहां पर पहली बात तो यह है कि कर में कटौती करती है। जब कर में कटौती करेगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो आय है वो बढ़ जाएगा। कर की दरों में कमी करने पर व्यक्ति की आय बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो खरीदने में जो है ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकेगा। इसी तरीके से वो अपने सार्वजनिक जो है व्यय में वृद्धि कर देगी तो ऐसी स्थिति में जो है समग्र मांग में जो है वृद्धि हो जाएगी और अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से जो है सही रास्ते पर आने लगेगा। दूसरा दौर होता है बूम की स्थिति, जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स को बढ़ा देगा जिससे क्रय की क्षमता जो है वो नियंत्रित और प्रभावित होती है और दूसरे तरीके से सार्वजनिक व्यय में कमी करता है। तो इससे अर्थव्यवस्था बहुत ही अनियंत्रित ढंग से यदि आगे बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है। तो इन दोनों ही प्रकार की अतिवादी व्यवस्था से निपटने के लिए यदि सरकार के द्वारा इस तरीके की नीति अपनाई जाती है तो वह नीति जो है वो क्षतिपूरक राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। तो इसे कहते हैं क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। अगला है सक्रिय राजकोषीय नीति। सक्रिय राजकोषीय नीति, अब यह सक्रिय राजकोषीय जैसे एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो है या जिसे तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर देश स्वतंत्र हुए वहां प्राकृतिक और मानवीय संसाधन अभी सुसुप्त अवस्था में यद्यप पर्याप्त मात्रा में हैं लेकिन वहां पर पूंजी और तकनीक की कमी है। ऐसी स्थिति में वहां प्राकृतिक और मानवीय संसाधन सुसुप्त अवस्था में है तो सरकार का ये काम है कि वह उन संसाधनों को एक्टिव करे, क्रियाशील करे जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके और देश जो है निरंतर विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करते हुए अपने देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल हो। तो यह होती है सक्रिय राजकोषीय नीति। जैसे अगर देखा जाए तो भारत में भी आज की तिथि में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और कौशल विकास मिशन जो है प्रारंभ किया गया है। इसी तरीके से स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना चलाई गई है जिससे छोटे स्तरों पर औद्योगिक गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके या कुछ विशेष क्षेत्र में काम करने पर आपको टैक्स से के दायरे से बाहर कर दिया जाता है जिससे उस क्षेत्र की गतिविधियों को प्रमोट किया जा सके
प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये सारी गतिविधियां जो होती हैं वो अर्थव्यवस्था में संसाधनों को एक्टिव करने का जो एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा वहां पे संसाधनों को विकसित किया जाता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। यदि सरकार की इस तरीके की नीति होती है तो उसे सक्रिय राजकोषीय नीति के अंतर्गत माना जाता है। तो ये कुछ विशुद्ध राजकोषीय नीति, तटस्थ राजकोषीय नीति, क्षतिपूरक और सक्रिय राजकोषीय नीति है। ये जो है कीन्स की विचारधारा पर आधारित है। कीन्स जो है 1929-30 के समय में जब मंदी आई थी तो कीन्स के ही विचारधारा पर जो है सीमित स्तर पर अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था को जो है मंदी के दौर से बाहर लाया जा सके। तो वह जो नीति थी वो कीन्स की जो नीति थी और इसे ही क्षतिपूरक राजकोषीय नीति कहा जाता है। तो इस तरीके से राजकोषीय नीति में हम लोगों ने देखा कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं और कितने प्रकार की जो है राजकोषीय नीति होती है। अब इस राजकोषीय नीति को व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए सरकार बजट बनाती है, और बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है जिसमें सरकार के संपूर्ण व्यय और प्राप्तियों का विवरण अंकित होता है। यद्यपि इसके साथ साथ वो अन्य बृहद रूप में जो है कार्यक्रम योजनाओं के बारे में भी जो है चर्चा करता है। तो हम अब जो है बजट के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जो है वो बजट के बारे में थोड़ा सा जो है अध्ययन करेंगे। बजट के संदर्भ में हम एक अवधारणात्मक जो है समझ विकसित करने के साथ साथ जो उसके कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि सामान्यतः 1D टाइप की एग्जाम या प्रारंभिक परीक्षा में जो सिविल सेवाओं के भी कुछ तथ्यात्मक सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो एक उसके बारे में जानकारी होना जो है आवश्यक है। तो बजट बेसिकली जो है, अगर ये पूछा जाए कि बजट का जो है देश की जो है अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष में प्राप्ति और व्यय से किस तरीके से संबंधित है, तो ये समझना आवश्यक है कि बजट कोई वित्तीय शब्द नहीं है, परंतु बजट जो है वो फ्रेंच भाषा के बुजेट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है जो है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अब ये चमड़े का थैला किस तरीके से वार्षिक वित्तीय प्राप्ति और व्यय से संबंधित है, कि जब पहली बार जो है देश के प्राप्ति एवं व्यय के विवरण से संबंधित समस्त कागजात एवं प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया, तो वो जो है एक चमड़े के थैले में रख करके जो है प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण से जो है उस वित्तीय वर्ष के प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित विवरण को बजट कह दिया गया, जो कि बजट का हिंदी रूपांतरण है फ्रेंच भाषा के शब्द, और उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो इस तरीके से जो है बजट शब्द जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित हो गया। और आपको यह ध्यान में भी होना चाहिए, भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है वो बजट के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण, ये शब्द जो है ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि ये कई बार जो है इंटरव्यू में भी जो है पूछ लिया जाता है, तो कम से कम इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यह हो गया जो है बजट के बारे में जो है एक प्रारंभ और बजट शब्द का जो है एक अर्थ। बेसिकली भारत में जो है बजट जो प्रारंभ किया गया, जो पहली बार जो बजट प्रारंभ किया गया भारत देश के स्तर पर अगर कहा जाए, यानी कि देश में पहली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्योंकि बजट के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझ लेना आवश्यक है, कभी कभार इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, या कम से कम जानकारी के स्तर पर तो होना ही चाहिए कि आप बजट या देश की इकोनॉमी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो बजट की कुछ थोड़ी मोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेना आवश्यक है। क्योंकि पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया इन्हें, इसीलिए इनको जो है बजट का देश में जो है जनक भी कहा जाता है, जनक का दर्जा भी दे दिया गया है, जानकारी के स्तर पर इसे जान लेना आवश्यक है। दूसरा जो है स्वतंत्र भारत में जो है बजट पहली बार किसने प्रस्तुत किया, स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है बजट किसने जो है प्रस्तुत किया, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार जो है षणमुखम शेट्टी, षणमुखम जो है शेट्टी के द्वारा 1947 ईस्वी में,
1947 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया। और गणतंत्र भारत में अगर देखा जाए, गणतंत्र भारत से तात्पर्य यह है कि जब देश में संविधान लागू किया गया तो उस समय की बात है, तो पहली बार जो है जॉन मथाई, जॉन मथाई के द्वारा जो है 1950 ईस्वी में। तो ये तीन महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बजट से संबंधित हैं और इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो देश में पहली बार बजट 1860 ईस्वी में, स्वतंत्र भारत में यानी कि 1947 में भारत को आजादी मिली तो उस समय षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और गणतंत्र भारत यानी कि संविधान को लागू करने के बाद जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 1950 ईस्वी में जो है वो जॉन मथाई के द्वारा। अभी हमने आपको बताया भी कि हम बजट के अवधारणात्मक पक्षों को समझने के पहले कुछ तथ्यों को भी समझ रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है, इसलिए केवल इसी को देख करके ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें बजट के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस चीज को हम पढ़ करके क्यों बोर हो रहे हैं। तो बजट के लिए और देश की इकोनॉमी का अध्ययन करने के दौरान थोड़ी मोड़ी इसकी जानकारी जो है आपके स्तर पर होना आवश्यक है। तो ये व्यवस्था जो है बजट के लिए। बजट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट ये है कि बजट सामान्यतः जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को जो है प्रस्तुत किया जाता रहा है, परंतु 2000 जो है एक ईस्वी में इसे जो है 2001 ईस्वी से इसे शाम को 5 बजे पहले प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब जो है यहां से ये 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। पहले ये शाम को जो है 5 बजे जो है प्रस्तुत किया जाता था, इसके पहले जो है ये शाम को 5 बजे प्रस्तुत, 2011 से इसे जो है 2001 से इसे जो है सुबह 11 बजे से प्रस्तुत किया जाने लगा। इसके पीछे की ये भी तर्क है या हो सकता है कि इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और आराम से बजट की बातों को जो है वित्त मंत्री के स्तर से जो है वहां पे भाषण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि भाषण के रूप में जो व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है 2001 से जो है ये 11 बजे जो है प्रस्तुत किया जाने लगा। और 2017 इसमें एक और परिवर्तन किया गया कि ये अंतिम कार्य दिवस के बजाय जो है प्रथम कार्य दिवस को, यानी कि फरवरी के जो है प्रथम कार्य दिवस को जो है ये प्रस्तुत किया जाने लगा। तो अभी के डेट में या इस वर्ष का भी जो बजट जो फरवरी के प्रारंभ में ही प्रस्तुत किया गया है और ये व्यवस्था 2017 से लागू की गई है और 2001 ईस्वी से इसे जो है सुबह के 11 बजे जो प्रस्तुत किया जाने लगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट ही इसके बारे में जो है जो जान लेना आवश्यक है। अगली बार यह है कि बात यह है कि देश में जो बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि कभी कभार जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है जब उनके पास जो है वित्त से संबंधित जो प्रभार रहे, जैसे इंदिरा गांधी के द्वारा भी पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे ज्यादा बार जो है बजट प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई के पास जो है उन्होंने 10 बार जो है 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा इसे 10 बार जो प्रस्तुत किया गया है, मोरारजी देसाई ने अब तक बजट को सबसे ज्यादा बार यानी कि 10 बार प्रस्तुत किया है। और देश की पहली जो है महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वर्तमान समय में भी है, यद्यपि इसके पहले जो है अतिरिक्त प्रभार इंदिरा गांधी जी के पास भी था, लेकिन स्वतंत्र रूप से एक विभाग के रूप में अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय जो है निर्मला सीतारमण जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री है। तो ये बजट के बारे में, बजट के एक शाब्दिक रूप में अर्थ और बजट के बारे में जो है कब कब कौन व्यक्ति ने पहली बार प्रस्तुत किया, ये बजट के संदर्भ में कुछ उसके संरचनात्मक स्तर पर जो है या तिथि के आधार पर या समय के आधार पर प्रस्तुतिकरण में जो परिवर्तन हुआ वो, और सबसे ज्यादा बार और पहली महिला जो है वित्त मंत्री के बारे में हम लोगों ने जो है अध्ययन ये किया। अब हम थोड़ा सा जो है बजट के ढांचे को जो है लेकर के जो है देखेंगे कि किस तरीके से बजट में क्या क्या चीजें जो है सम्मिलित की जाती हैं। बजट के बारे में जो एक संवैधानिक प्रावधान है, बजट के बारे में संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो दिया गया है और इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए देश की संपूर्ण प्राप्तियों योम बेक से संबंधित विवरण को जो है संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाएंगे, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, जिसे हम लोगों ने भी पूर्व में देखा। यानी कि 112 के अंतर्गत इस चीज को जो बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है सरकार की संपूर्ण प्राप्ति योम बे से संबंधित जो है विवरण किसी भी या प्रत्येक
प्रत्येक जो है वित्तीय वर्ष के लिए जो प्रस्तुत किया जाएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार की संपूर्ण प्राप्ति एवं व्यय का विवरण जो है वो सदन में रखा जाएगा और इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट में एक और चीज समझना आवश्यक है कि बजट के साथ जो तीन वर्ष की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण दिया जाता है, ये व्यवहारिक स्तर पर किताबों में सामान्यतया नहीं मिलता है, तो इसे व्यवहारिक स्तर पर समझ लेना आवश्यक है। एक तो इसमें जो है आगामी, इसमें एक चीज है कि आगामी वित्तीय वर्ष के जो है अनुमानित, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय एवं प्राप्ति का विवरण होता है, वर्तमान जो है वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये जो है वर्तमान के लिए है, अभी हम इसको बताते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से ये होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जो संशोधित अनुमान और पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए जो है ये वास्तविक आंकड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविक जो है आंकड़े इसमें जो प्रस्तुत किए जाते हैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए। जैसे मान करके चलिए हम वर्तमान वित्तीय वर्ष का एक उदाहरण लेते हैं कि बजट जो प्रस्तुत किया गया वो फरवरी 2022, अभी फरवरी 2022 के लिए जो है ये बजट जो है की तिथि को प्रस्तुत किया गया, फरवरी 2022 को ये बजट जो प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है, 2022 और 2023 के लिए प्रस्तुत किया गया है। और 2022 और 23 प्रारंभ कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक। अब ये देखिए कि ये जो बजट प्रस्तुत हो रहा है वो हम इस पीरियड के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि ये आगामी वर्ष के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आगामी वर्ष का तात्पर्य यहां पे वित्तीय वर्ष से है। वर्ष तो कैलेंडर वर्ष हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, लेकिन हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। लेकिन बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो इस पीरियड में नहीं प्रस्तुत हो रहा, बल्कि उसके पहले फरवरी में ही प्रस्तुत हो जा रहा है। तो यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है, जो ये वित्तीय वर्ष जो फरवरी है वो तो हम 21-22 का वित्तीय वर्ष ही है, तो इसलिए हम प्रस्तुत करते हैं अनुमानित बजट वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 23 तक के लिए। तो ये हो गया। और संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते हैं किसका, वर्तमान यानी कि 2021 और 22, तो यानी कि 22 और 23 से एक वर्ष पीछे का, जिसमें हम जिस डेट को प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसी जो है वित्तीय वर्ष में है, फरवरी जो है वो 21-22 का है, तो इसका हम संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो है अगले वित्तीय वर्ष यानी कि एक वर्ष पूरा हो चुका होता है पिछले बजट की प्रस्तुति से, पिछले बजट की प्रस्तुति से एक वर्ष पूरा हो चुका हो, तो इसके हम संशोधित अनुमान कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे देश की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो उनके आधार पर जो है हम इसका संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर देते हैं। और पूर्व वर्ष का यानी कि 20 और 21 का जो है हम वास्तविक आंकड़े, क्योंकि 20 और 21 में जो है बजट प्रस्तुत हुए से 2 वर्ष और बजट के क्रियान्वयन से लगभग 1 वर्ष हो चुका होता है, तो हम इसके जो है संशोधित आंकड़े प्रस्तुत कर, मतलब वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, और 21 और जो है 22 के हम संशोधित आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं, और 22 और 23 के जो है हम अनुमानित आंकड़े जो है प्रस्तुत करते हैं। तो इस आधार पर जो है किसी भी वर्ष के बजट में इस तीन प्रकार की बातें होती हैं कि आगामी वर्ष के लिए हम अनुमानित बजट, और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जो हम संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, और पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए जो हम वास्तविक आंकड़े इसमें जो प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये होती है बजट में, बजट के जो है अंतर्गत जो है किन बातों को, किन से वर्षों से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, इससे संबंधित चीजें आपको सब समझ में आई होंगी। अब हम बजट के ढांचे पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सरकार की संपूर्ण प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित जो विवरण होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, और बजट का जो ढांचा है वो बेसिकली 2 आर्टिकल के अंतर्गत 266 आर्टिकल 266 और 266 दो और 267 ये तीन जो है आर्टिकल है जिसके माध्यम से जो है हम बजट के ढांचे का अध्ययन करते हैं। इसमें जो है इसे संचित निधि कहा जाता है,
जिसे राजकोष भी आप कह सकते हैं, संचित निधि, और दूसरा है जो है पब्लिक फंड होता है, सार्वजनिक खाता या सार्वजनिक निधि, सार्वजनिक निधि या सार्वजनिक जो है खाता। अगला है 267 में आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि। संचित निधि को ही जो है राजकोष के नाम से भी जाना जाता है। सरकार के द्वारा जो है जितने भी राजस्व की प्राप्ति होती है वो सभी राजस्व जो है जिस निधि में रखी जाती है वो संचित निधि या राजकोष कहलाता है। सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न कार्यों से प्राप्त होने वाले राजस्व, सरकार के द्वारा लिए गए ऋण, अर्थोपाय अग्रिम से प्राप्त ऋण, या ऋणों के पुनर्भुगतान से लिए गए ऋण। अब यहाँ पर दो बार ऋण आ रहा है, सरकार के द्वारा लिए जाने वाले सार्वजनिक ऋण और ऋणों का भुगतान। तो एक बार तो यहाँ पे सरकार जो है ऋण लेती है किसी से, वह ऋण की बात, और जब ऋणों के पुनर्भुगतान की बात होती है यानी कि सरकार के द्वारा जो ऋण किसी भी जो है एजेंसी को, अभिकरण को, सरकार को, किसी औद्योगिक घराने को दिया गया है तो उस ऋण की वापसी की बात होती है। एक ऋण वो देता है तो एक वित्तीय वर्ष में एक निश्चित समय पर जब सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं वो सभी प्राप्तियां जो हैं वो संचित निधि में रखी जाती है। किसी भी जो है स्रोत से जो भी आय प्राप्त हो रहा है वो संचित निधि में रखी जाती है। और इसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि सरकार के समक्ष चाहे जितने भी प्रकार के व्यय हों, चाहे वो संचित निधि पर भारित हो या न भारित हो, वो सभी जो है व्यय संसद की स्वीकृति के पूर्व नहीं किए जा सकते हैं, और संचित निधि से आहरण जो है वो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही हो सकता है। तो इस तरीके से संचित निधि जो है इसमें सरकार के आय को रखा जाता है। सार्वजनिक खाता ये कुछ ऐसा खाता होता है जिसमें इस तरीके के जो है धनराशियों को जमा किया जाता है जो सरकार का नहीं होता है, लेकिन सरकार जो है उसको उसके संरक्षक के रूप में उसका जो है रखरखाव करती है, रखती है, और एक निश्चित समय के बाद वो जिस व्यक्ति का, जिस संगठन का, जिस औद्योगिक घराने का या जिस भी वर्ग का होता है उसे वो वापस लौटा देता है। तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक खाता। चूंकि यह धनराशि जो है वो सरकार की नहीं होती है इसलिए इसके व्यय के संदर्भ में संसद के द्वारा जो है पारित, कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कानून संचित निधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है और इस पर जो व्यय किए जाते हैं वो संसद के द्वारा जो है अनुमति से ही किए जाते हैं। अब यहाँ पे संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि पर भारित न होने वाले व्यय, दोनों ही व्यय को जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें विचार विमर्श होता है, लेकिन जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उस पर मतदान नहीं किया जाता है। यानी कि जो भी उस पर व्यय आ रहे हैं उसमें कटौती नहीं हो सकती है, जो है इसका तात्पर्य यही होता है। तो संचित निधि 266 के अंतर्गत उल्लिखित है और 266(2) में जो है सार्वजनिक खाता या पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड इसमें होते हैं। इसके अंतर्गत जो है जैसे आपके NSC होते हैं, GIS होते हैं, GPF होते हैं, इसके समस्त धनराशियां जो है किसी खाते में अंकित होती हैं और एक निश्चित समय के बाद या मेच्योरिटी टाइम या जो भी उस धनराशि को अंकित कर रखने के पूर्व में नियम होते हैं उस नियम के अनुसार जो है उसकी परिपक्वता अवधि पर उसका जो भुगतान कर दिया जाता है तो वो सार्वजनिक खाता के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो है आकस्मिकता निधि है 267 के अंतर्गत। देश के समक्ष आने वाले अनिश्चित और अनियमित प्रकार के जो है खर्चे जो कि विभिन्न प्रकार के आपदा में आ सकते हैं तो उससे निपटने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है एक निधि बनाई गई जिसे आकस्मिकता निधि होती है। अब इस निधि और संचित निधि में अंतर यह होता है कि इससे चूंकि व्यय के लिए संसद के द्वारा अनुमति लेना आवश्यक है, संसद का सत्र होना चलना आवश्यक है, तभी जो है इससे खर्च किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि देश के समक्ष अचानक कोई समस्या आ जाती है और यदि हम सदन के सत्र की अपेक्षा करेंगे, उसका इंतजार करेंगे तो बहुत समय निकल सकता है। तो इसी स्थिति में जो है सरकार आकस्मिकता निधि से जो है खर्च को पूरा कर लेती है, बाद में जो है सदन से जो है उसकी अनुमति लेकर के संचित निधि से उतनी धनराशि आहरित करके जो है वो आकस्मिकता निधि में डाल देती है ताकि देश के समक्ष जो है आपदा या किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति की स्थिति में जो है विभिन्न परिस्थितियों से निपटा जा सके। तो ये व्यवस्था हो जाती है जो है आकस्मिकता निधि की। तो हम लोगों ने बजट के बारे में दो चीजों का अध्ययन किया, कुछ परीक्षा प्रयोगी तथ्य और बजट के जो है ढांचे के बारे में हम लोगों ने जो है अध्ययन किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है बजेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है बजट
राजकोषीय नीति का अर्थ उसके प्रकार, बजट के जो है परीक्षा प्रयोगी तथ्य और बजट के बारे में जो है ढांचे का अध्ययन कर लिया। तो चूंकि क्लास थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम बजट का अगला पार्ट जो है बजट के विश्लेषण के रूप में रखेंगे, जिसमें बजट के जो है सभी पक्षों और पहलुओं को जो है विश्लेषित करते हुए समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में जो है इसके अगले पार्ट को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।